अगर आप फेल हो गए हो, हार गए हो, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि अगर आप किसी काम को सही तरीके से या सही टूल्स का यूज़ करके करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। लेकिन अगर आप हार गए हो तो आपके कामों में ही कोई ना कोई कमी रह गई है, इसीलिए आप कामों को बेस्ट तरीके से करो, तभी आप सफल बनोगे। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या आपकी कहीं अच्छी नौकरी नहीं लगती, तो आप अपने टीचर, पेरेंट्स और यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम को भी दोष देते हैं, लेकिन उसमें आपकी खुद की गलती होती है। आपने एग्ज़ाम देने से पहले पूरी तैयारी नहीं की, आप जो नौकरी करना चाहते हो उसके लिए आपने पूरी कोशिश ही नहीं की, इसीलिए तो आप असफल हो। आपके असफल होने का सबसे बड़ा कारण आप खुद होते हो। कुछ लोग अपने नसीब को दोष देते रहते हैं, कहते हैं यार मेरी किस्मत में ना जॉब लिखी ही नहीं है, इसीलिए शायद मुझे जॉब अभी तक मिले ही नहीं। लेकिन खुद से ये कभी नहीं पूछते कि क्या मैंने जॉब पाने के लिए उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया। नहीं ना, तो इसमें आपकी गलती है। आज आप जो बनना चाहते हो, क्या आपने वो बनने के लिए दिन रात मेहनत किया, पूरी तैयारी से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, उसके बारे में ज्ञान लिया? नहीं ना, तो इसमें आपकी गलती है। अगर आप आज सफल नहीं हो तो इसमें भी आपकी ही गलती है। आपने सक्सेसफुल लोगों की तरह काम ही नहीं किया, वो सब नहीं किया जो एक सक्सेसफुल पर्सन करता है। बुक्स पढ़ना, नॉलेज लर्न करना, रिस्क लेना, मेहनत करना एंड एक्शंस लेना, कोशिश करते रहना, क्या आपने ये सब किया है? नहीं ना, तभी तो आप आज सफल नहीं हो, तो इसमें आपकी ही गलती है। इसलिए आज से ही सक्सेसफुल लोगों की तरह अपना माइंडसेट बनाओ, अपनी सोच को बड़ा बनाओ। अगर आप आज असफल हो तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपको किसी ने रोका नहीं है सफल होने के लिए। पता है, आप खुद ही अपने आप को रोकते हो सफल होने से, बहाने बनाते हो, आलस करते हो, अपने कामों को टालते रहते हो। ये सब आदतें आपको असफल बनाती है। सुधारो अपनी इन आदतों को और बन जाओ एक सक्सेसफुल पर्सन। मेरी एक बात याद रखो, जब तक आप किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को नहीं पा सकते हो। ठीक वैसे ही आप जब तक सफल होने के लिए कोशिश नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं बन पाओगे। आप आज जो भी हो वो सब आपकी सोच और कर्मों का ही फल है, और आप कल जो बनोगे वो भी आपकी सोच और कर्मों पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए आप आज अपनी सोच को बड़ा रखो, तभी तो आप कुछ बड़ा कर पाओगे। मोटिवेशन की आग पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।